नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने निर्धारित किया था कि जो ज्योतिषीय चर्चाएं हैं उससे मनुष्य के जीवन में कैसे लाभ लिया जाए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष के ऊपर तो आप लोगों को ईश्वर ने चाहा तो बहुत योग्य लोग बता ही रहे हैं, अद्भुत है और हम भी उन लोगों से बहुत सीखते हैं। आज का विषय है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से उनका निवारण किया जाए। वैसे तो ये चिकित्सा विज्ञान का विषय है, लेकिन हमारा शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, हमारे पुराण इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में जितना मुझे संज्ञान मिला, आचार्यों के साथ रह के मैंने सीखा, तो उससे थोड़ा पता लगा कि रोग उत्पत्ति केवल शारीरिक ही नहीं, कार्मिक भी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ज्योतिष के अंदर इसके क्या विचार हो सकते हैं, क्या पहलू हो सकते हैं एवं इनके परिहार हमारा शास्त्र किस प्रकार से बता रहा है। इसके अंदर मेरे अपने निजी अनुभव और मेरे जानकार लोगों के द्वारा जो मैंने अनुभव भी इस्तेमाल किए, उन लोगों को भी जो जीवन में आपदाएं परेशानी आई वह भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। ज्योतिष के अनुसार रोग उत्पत्ति के लिए हमारे कर्म जिम्मेदार, अपने कर्मों की वजह से ही हमें इस जीवन में रोग मिलते। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार से रोग हो सकते हैं। एक, जेनेटिकल, अनुवांशिक, अर्थात कभी ईश्वर ना करे किसी को कोई असाध्य रोग हो जैसे कैंसर जैसा, तो जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, वो ये जरूर पूछेंगे कि आपके परिवार में भी क्या किसी को ऐसा रोग रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अनुवांशिक रोग हैं वह भी हमारे साथ बने हुए। दूसरा, वातावरण के द्वारा। मान लीजिए अगर आसपास अत्यधिक प्रदूषण हो तो भी रोग उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती। तीसरा, अपनी गलतियों के कारण से। भोजन शरीर की जरूरत है, या शरीर की जरूरत भोजन है, जब इन दोनों में भेद करना समझ जाएंगे तो पता लगेगा कि कई बार रोग हमारे आदतों के कारण से भी बनते हैं। बीच में आती हुई आवाजों के लिए क्षमा चाहेंगे। शास्त्र क्या कहता है कि आपके कर्मों के कारण से आपको रोग बनेंगे।
अगर जन्मांग के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य अत्यधिक पीड़ित है तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा पूर्व जन्म से रोग लेके आई, अर्थात वह कहीं ना कहीं अनजाने में किए गए कृत्यों से, कार्यों से उसको इस जीवन में जो भोगना पड़ेगा उसके कारण से रोग बन रहे। लेकिन आपकी पत्रिका के अंदर अगर चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित है तो वर्तमान की स्थितियां मन के ऊपर इतनी हावी हैं कि उनके कारण से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो सकता है। और लगन अगर पीड़ित है तो जो ये मेरे आसपास का वातावरण है इसके कारण से रोग उत्पत्ति हो सकती है। तो इससे हम तीन प्रकार के रोगों से देखने को इसमें मिल रहे हैं। सभी रोगों के अंदर चिकित्सीय सलाह लेना, कुशल चिकित्सक को दिखाना बहुत ही अनिवार्य है, किंतु इसके साथ साथ अगर जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा धर्मशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, उसका भी अगर प्रयोग कर लिया जाए तो रोग शांति के लिए अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। मेरा अपना निजी अनुभव अपने ऊपर ही रहा और मैंने एक असाध्य रोग से ईश्वर के आशीर्वाद से और कुशल चिकित्सीय सलाह से काफी हद तक निजात पाई। आज एक रोग के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद श्रृंखलाबद्ध इन रोगों के ऊपर चर्चाएं जारी रखेंगे। आप चाहें तो मेरे फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं रोगों के ऊपर थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान हमने उस पर भी साझा किया। एक रोग जिसको पांडु रोग, पीलिया, लिवर सिरोसिस, या लिवर का फेल होना, या फैटी लिवर होना कहा गया, शास्त्र उसके लिए क्या कह रहे हैं? जन्मांग के अंदर तो बृहस्पति की खराब स्थिति ये बता रही है कि ये रोग जातक को हो सकता है, किंतु शास्त्र क्या कहते हैं कि ये रोग जातक को किस कारण से उत्पन्न हुआ और इसके निदान के लिए चिकित्सीय सलाह के अलावा और क्या कर लेना चाहिए? तो सूत्र मिलता है कि पूर्व जन्मों में अगर आपने किसी का अनाज चुराया है तो आपको लीवर संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब मैंने इसको समझने की कोशिश करी तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी के भोजन का हिस्सा चुरा लेते हैं तो ईश्वर हमें उससे दंड देता है कि हमें अपने भोजन के द्वारा उसको पूरा करना पड़ेगा। तो लीवर संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें व्यक्ति का भोजन, भूख कम हो जाती है, इस कारण से जातक
किन समस्याओं से जूझना है। हम जब सुबह मित्रों के साथ सैर के लिए जाते हैं तो एक हमारे परिचित को मैंने देखा कि वे बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि वो उससे पहले काफी तेज सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए घूमा करते थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे साझा किया कि मुझे लीवर संबंधी परेशानी का पता चला है। उस चीज को लेकर जो दुख हुआ और उस चीज को दूर करने के लिए जो शास्त्र को देखा, तो वह मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। शास्त्र के अंदर लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को लीवर संबंधी परेशानी हो तो आम का दान करने से और सर्वनो नाशक मंत्र जाप या हवन करने से इसमें काफी तेजी से लाभ है। तो उनको सलाह दी कि आप किसी अच्छे चिकित्सक के साथ तो बने रहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान हमारा विषय नहीं है और उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। तो आप किसी कुशल जो चिकित्सक से मिलते रहिए और जो वो सलाह दे रहे हैं उनको मानिए, और साथ में थोड़ा आम का दान कर लीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो उन्होंने उन दिनों में आम तो नहीं था, लेकिन आम से संबंधित अभी बाजार के अंदर बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, आम पापड़, आम का रस, ये सब, तो उन्होंने उसका दान किया। वे अभी भी मेरे से उसी पार्क में मिलते हैं, काफी स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि जो चिकित्सक की जो सलाह है मैं उसे पूरा मान रहा हूं, और जो मुझे आपने बताया मैं उसको भी कर रहा हूं और मुझे काफी लाभ है। उस शास्त्र को नमन जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, उन आचार्यों को नमन जिनके द्वारा मैंने ये सीखा, और उस ईश्वर को नमन जिसने मुझे इस तक पहुंचाया। आप भी इसका प्रयोग कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को लीवर संबंधी समस्याएं हो तो एक सबसे पहले कुशल चिकित्सक से मिलिए, वो जो चिकित्सा प्रदान आपको करें उसको फॉलो कीजिए, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो आम का दान कीजिए, काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। राम राम। खुश रहिए। बीच में आने वाली आवाजों के लिए क्षमा। आपके विचार मुझे बहुत ही प्रेरित करेंगे। आप अपने विचार मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे भेजेंगे, काफी प्रेरणा मिलेगी और नए विषय को बनाने के लिए काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। राम राम।